दोस्तों ये है सैमसंग का क्रिस्टल विविड प्रो सीरीज 2024 एडिशन लेटेस्ट टीवी। ये है 65 इंच का जाइगेंटिक मैमथ टीवी जिसका इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं। आपको थोड़ा सा अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, थोड़ा सा बताएंगे कि पिक्चर क्वालिटी कैसी है, ऑडियो क्वालिटी कैसी है, PSR के साथ गेम प्ले का थोड़ा सा दिखाएंगे आपको वीडियो, उसके बाद डिजाइन के बारे में बताएंगे। बाय द वे, डिजाइन अच्छी नहीं है, पता नहीं क्यों सैमसंग प्लास्टिक बैक यूज कर रहा है जो कि फिन की है, दब रहा है, तो मेटल बैक होना चाहिए मेरे हिसाब से, सब मेरा मानना है। स्टैंड के बारे में बताएंगे, स्टैंड इनका काफी अच्छा लगा मुझे। बाय द वे, पोर्ट्स के बारे में बताएंगे, रिमोट के बारे में बताएंगे जो कि सोलर सेल रिमोट आपको देखने को मिलता है। देयर आर सो मेनी फीचर्स मोर जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं। अगर आपने 55 इंच के विजन प्रो की वीडियो नहीं देखी है तो आप यहां ऊपर आई कार्ड में देख सकते हैं, कल हमने उसकी वीडियो बनाई थी, OTV भी काफी अच्छा था। अगर वो भी नहीं देखनी है, दूसरी वीडियो एक और बनाई थी परसों के दिन हमने सैमसंग क्रिस्टल विविड इसी के थोड़े डाउनग्रेड वाले मॉडल की जिसमें आपको रिमोट स्मार्ट नहीं मिलता है, उसकी वीडियो भी आप ऊपर आई कार्ड में जाके देख सकते हैं। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है उदित शर्मा और आप देख रहे हैं यूडी रावत चैनल। अगर आपको ये टीवी खरीदना हो या फिर विविड सीरीज का खरीदना हो या फिर विजन प्रो का खरीदना हो तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन जाके आप डायरेक्टली टीवी खरीद सकते हैं। इसके अलावा और टीवियों के साथ कंपेरिजन चाहते हो या फिर चाहते हो कि कौन सा टीवी हम एक्जैक्टली खरीदें, हमारा ये बजट है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6377912121, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स, जो भी है सब जगह फॉलो कर लो। दोस्तों आपको एक बता दूं कि गिव अवे भी अनाउंस हो रही है, छोटी सी, मतलब आपके लिए नहीं है लेकिन एनजीओ के लिए है। आप जितने लाइक और कमेंट करेंगे इस वीडियो पे, उतने जितने कमेंट मिलेंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे, उतने रुपए, वैसे बाकी दोनों वीडियोस में भी, तीनों वीडियो के जितने भी कमेंट होंगे ना, उतने रुपए मैं एक एनजीओ को डोनेट करूंगा। आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा, वो मेरी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से होगा। तो जितने कमेंट कर सकते हो कीजिए, बोलिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, कैसी आपको टीवी लगी, और लाइक भी करके जाना। फटाफट से डायरेक्टली टाइम बर्बाद ना करते हुए अनबॉक्सिंग की तरफ चलेंगे। दोस्तों आई होप आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। थोड़ा सा बीट पर अनबॉक्सिंग करते हैं आजकल हम। पोर्ट्स के बारे में बताते हैं अब इन, और उसके बाद हम थोड़ा सा डिजाइन के बारे में, देखो मैं बता दूं फिर से, ये प्लास्टिक बैग है, सेंटर से ऐसे दबा रहे हैं तो दब रहा है, विच इज नॉट गुड। पता नहीं क्यों ये सब प्लास्टिक बैग यूज कर रहा है सैमसंग, आई थिंक मेरे हिसाब से मेटल यूज होना चाहिए, और एट दिस प्राइस आप हाई प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहे हो। हालांकि पीछे टीवी टंग जाती है उसको कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन फिर भी बिल्ड क्वालिटी में मजा नहीं आता यार, वो फील नहीं आती है प्लास्टिक बैग्स में, तो आई सजेस्ट कि मेटल होना चाहिए। बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, बाकी सारी चीजों के बारे में बताएंगे, पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी। वैसे आप यहां तक पहुंच गए तो सब्सक्राइब नहीं किया, गलत बात है। यू डोंट हैव टू पे मनी टू सब्सक्राइब, जस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दोस्तों इनबॉक्स एसेसरीज की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलता है एक यूजर मैनुअल, ये स्मार्ट रिमोट को और टीवी को यूज करने के लिए आपके काम आएगा। उसके बाद मिलता है एक वारंटी कार्ड जो वारंटी क्लेम करने में काम आएगा ऑब्वियसली। इसके बाद मिलता है आपको एक 90 डिग्री एंटीना एंगल का अडेप्टर जिसे हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट करने के काम आएगा। इसके अलावा एक रिमूवेबल पावर कॉर्ड मिलती है, ये बहुत बढ़िया लगती है मुझे क्योंकि अगर ये खराब हो जाती है तो यू कैन ईजिली रिप्लेस इट। इसके बाद मिलता है सम यूनिकली डिजाइंड स्टैंड जो कि है तो प्लास्टिक ही, मतलब प्लास्टिक है बट बहुत हार्ड प्लास्टिक है और बहुत मजबूत प्लास्टिक है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस पर अगर टीवी टिकेगी तो ये 65 इंच का टीवी भी बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं है। और इनका लॉकिंग मैकेनिज्म भी ना बहुत ही डिफरेंट है, मतलब जब आप टीवी के पीछे भी देखते हो तो चार ऐसे छः से दिए गए जहाँ पर आप इसे लॉक कर सकते हो, एंड इट्स जस्ट सो डिफरेंट एंड अमेजिंग। इसके बाद आपको मिलता है एक क्विक स्टार्ट गाइड कि कैसे इसे स्टैंड को कनेक्ट करना है या फिर कैसे वॉल माउंट को कनेक्ट करना है। एंड लास्ट में मिलता है आपको ये स्मार्ट सोलर रिमोट, ये ऑब्वियसली सोलर रिमोट है, रूम में जैसे ही लाइट पड़ेगी थोड़ी बहुत इंडोर लाइटिंग में ये चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको टाइप सी का पोर्ट भी देखने को मिलता है, तो आप इस टाइप सी के पोर्ट से भी इसे चार्ज कर सकते हैं। बहुत ही कॉम्पैक्ट रिमोट है, मतलब मेरे हाथ में तो ये मतलब बहुत छोटा लग रहा है, एंड ये एप्पल टीवी वाले रिमोट से काफ़ी सिमिलर, बिल्कुल छोटू सा। बाकी इसमें वॉल्यूम प्लस माइनस के ये बटन मिल जाते हैं, चैनल प्लस माइनस का बटन मिल जाता है, प्ले पॉज, होम, वॉइस असिस्टेंट के बटन भी है एक, और फिर सेटिंग का बटन है, पावर, म्यूट का बटन यही होता है कि उसको आप दबाएंगे तो म्यूट हो जाता है, फिर नेटफ्लिक्स, सैमसंग टीवी प्लस, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और प्राइम वीडियो की हॉट की भी मिल जाती है। बहुत 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 प्यारा रिमोट है, मैं कहूँगा टीवी का अब तक का बेस्ट रिमोट मुझे लगा, क्योंकि 2024 में इन्होंने और छोटा कर दिया है इस रिमोट को, और हल्का भी कर दिया, बहुत पतला रिमोट है।
मजा आ गया। दिस इज द बेस्ट थिंग सैमसंग हैव एवर डन विद देयर रिमोट्स। दोस्तों पोर्ट्स की बात करें तो इसको एक यूएसबी का पोर्ट देखने को मिलता है ऊपर की साइड, उसके बाद तीन एचडीएमआई पोर्ट मिलते हैं जिसमें से ये वाला आर्क सपोर्टेड है, ऑडियो रिटर्न चैनल जिसको बोलते हैं। उसके बाद एक लैन पोर्ट मिल जाता है अगर आप कनेक्शन इसमें वाईफाई की जगह ईथरनेट से देना चाहते हैं तो, और एक एंटीना पोर्ट मिल जाता है। थोड़ा अगर बैक साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक पोर्ट और मिलता है जो कि पावर का पोर्ट है जिससे आप डीसी इन की पावर इस टीवी में देंगे एंड काफ़ी सही है। रिमूवेबल केबल होने की वजह से अगर वो ख़राब भी होती है तो भविष्य में आप उस केबल को बदल सकते हैं। Let's have some peels. दोस्तों यहां पर मैंने पील्स कर ली हैं। लेट्स स्टार्ट दिस 65 इंच मैमथ टीवी सैमसंग क्रिस्टल विविड प्रो। इस टीवी का रिमोट बहुत सॉलिड है। जब आप इस टीवी के रिमोट को अपने हाथ में रखोगे ना तब आपको फीलिंग आएगी कि ओ माय गॉड दिस इज जस्ट सो ऑसम। यूजुअली रिमोट यूज़ करना लोग चाहते नहीं है, ज़्यादातर वॉइस से यूज़ हो जाए, स्मार्ट मतलब आवाज़ से हो जाए, माइक लगे हो तो हैंड्स फ्री कर लिया, लेकिन इस रिमोट को यूज़ करने के लिए आप भागोगे कि नहीं यार दिस इज जस्ट अमेजिंग थिंग। वेलकम लिखा आया है, थोड़ा नए डिज़ाइन में आया है। दो तरीके होते हैं किसी भी टीवी को सेटअप करने के, आप या तो स्मार्टफोन के जरिए कर सकते हैं क्विक एंड ईजी, या रिमोट कंट्रोल के जरिए कर सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा आईडी पासवर्ड वगैरह डालने पड़ेंगे। इस टीवी को मैं सेटअप करता हूँ, सभी ऐप्स में लॉग इन करता हूँ इस जायगेंटिक से टीवी में, उसके बाद डायरेक्टली आपसे होम स्क्रीन पर मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने टीवी को सेटअप कर दिया है, एज यू कैन ऑलरेडी सी सभी ऐप्स में मैंने लॉग इन कर दिया है एंड अपना प्लेस्टेशन 5 भी कनेक्ट कर दिया है, जैसे कि आप राइट एंड साइड देख रहे होंगे प्लेस्टेशन 5 रखा हुआ है। गेम खेल के दिखाएंगे तो होल्ड ऑन फॉर दैट। सभी ऐप्स इसमें आपको मिल जाते हैं, सैमसंग टीवी प्लस, नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, एप्पल टीवी, यूट्यूब, सोनी लिव जो भी है। इसके अलावा आजकल ना नया टाइजन ओएस 24 आया, इसमें तीन टैब मिलते हैं ऊपर, फॉर यू का जिसमें आपका रीसेंट वाला आ रहा है, पॉपुलर इन इंडिया आ रहा है, कुछ ऐप्स आ रहे हैं एंड सब कुछ बाकी के जो यूनिवर्सल गाइड टाइप का आ रहा है कि कुछ कंटेंट जो सजेस्ट करता है हमारी वॉच लिस्ट के हिसाब से, हमारी प्रेफरेंस के हिसाब से सैमसंग खुद आपको। उसके बाद आपको लाइव का मिलता है, इसमें आप फास्ट चैनल्स को यूज़ कर पाएंगे, जैसे कुछ चैनल्स हैं जैसे इस चैनल पर पिक्चर आ रही है आप मुझे अच्छे लगने लगे, आर भारत है, कुछ बहुत सारे चैनल्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाएंगे, दैट्स फास्ट चैनल्स फॉर यू, इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स दैट। बहुत सारे टीवीज में आपको फास्ट चैनल्स फ्री के देखने को मिलते हैं। इसके बाद ऐप्स हैं, कुछ ऐप्स अगर आपके पास नहीं है तो आप उन्हें इंस्टॉल भी कर सकते हैं, जैसे कि रोजना वगैरह इसमें प्री इंस्टॉल नहीं आता है, ये भी सारे प्री इंस्टॉल नहीं आए थे, ये क्या है मेरे सैमसंग के लिए भी मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ तो वहाँ से वो ऑटोमेटिक आ जाता है। इसमें सन नेक्स्ट, गाना, फीफा, कुछ गेम्स भी मिल जाएंगे आपको, आ सके ऐप है, बहुत सारे ऐप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, आप उनको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद साइड में आएंगे तो आपको डेली प्लस का सपोर्ट मिलेगा। डेली प्लस इज़ अ न्यू थिंग इन टाइजन ओएस, इसमें बेसिकली स्मार्ट थिंग्स का आ जाता है, आप अपने फ़ोन को रिंग कर सकते हो, वर्क स्पेसेस का ऑप्शन आ जाता है जिसमें आप रिमोट पीसी यूज़ कर सकते हो, इजी कनेक्शन विद विंडोज़ पीसी हो जाता है, मैक को भी यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा सैमसंग टैक्स को वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें दिए गए हैं। ऊपर सर्च का ऑप्शन भी है, आप डायरेक्टली कोई चैनल सर्च करना चाहें या फिर कुछ कंटेंट सर्च करना चाहें तो वो भी आप डायरेक्टली मतलब फेवरेट कंटेंट को अलग ऐप्स के अंदर ही सर्च कर सकते हो, दैट्स अ न्यू वन एंड वेरी गुड वन ऑफ देम। इसके अलावा कनेक्टेड डिवाइस में आप देख सकते हैं कुछ भी जो भी आपको स्मार्ट थिंग्स, टीवी, एचडीएमआई वगैरह चेंज करना है तो वो यहाँ से कर सकते हो। इसको आप चाहो ना तो ऐड टू होम भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मुझे ये पेन ड्राइव ऐड टू होम करना है तो यहाँ से मैंने ऐड टू होम कर दिया एंड अब होम में ही मेरे को पेन ड्राइव यहाँ पर लास्ट में दिख जाएगा एंड दिस इज़ गुड। आप ईजिली कुछ भी करना चाहें, प्ले करना चाहें तो जैसे मैं पेन ड्राइव को यहाँ लगाना चाहता हूँ, जैसे ही मैं पेन ड्राइव लगाऊँ तो मेरा यहाँ आ जाए, अब यहाँ आ गया तो चलो एक बार हम वीडियो क्वालिटी का टेस्ट भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा ना बड़ी टीवी है तो बड़ी टीवी में कई बार पैनल अलग लगा देते हैं, छोटी टीवी में अलग लगा देते हैं, ऐसा सीन होता है। वैसे हमने 55 विजन प्रो का किया था, ये विविड प्रो है, शायद कोई डिफरेंस हो, वैसे तो रिमोट का डिफरेंस है, मुझे लगता नहीं और किसी चीज़ में कोई डिफरेंस है, बट फिर भी हम HDR लोकल डिमिंग का टेस्ट करेंगे, ब्लूमिंग का टेस्ट करेंगे। अभी ये जो बॉक्स है, ये तीन टीवी जो मैंने लास्ट दो दिन में किए हैं उन तीनों में ही बराबर ही शार्प दिखा है, हल्का सा कह सकते हो 65 में थोड़ा सा और बेटर दिख रहा है,
ब्लैक लेवल्स थोड़े से और बेटर है। देखो जितनी बड़ी टीवी हो जाती है उतना बड़ा थोड़ा सा ऐसा होता है शायद, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी सैमसंग इंप्रूव कर रहा हो, इसमें थोड़ा सा लगा मुझे बेटर है। ब्लूमिंग तो देखो नया टीवी में होता नहीं है वैसे भी, लेकिन कुछ अच्छा टीवी ना हो तो स्टार्टिंग में आ जाता है कई बार, लेकिन ये टीवी परफेक्ट है 65 इंच के हिसाब से, बहुत सही ब्लूमिंग, पहला वाला बिल्कुल शार्प, सीरियसली इट्स लुकिंग गुड। लेट्स चेक द पिक्चर क्वालिटी ऑफ दिस टीवी, विल प्ले सम कंटेंट। भाई साहब मैसिव। अब देखो 100 तरह की चीज़ें बदल जाती हैं जब मैं कैमरा से शूट करता हूँ, आपके फ़ोन में दिखता है तो कलर्स डालते हैं, लट होता है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुझे यहाँ पे इट्स लुकिंग मैमथ। 65 इंच में डिटेल्स और शार्पनेस मस्ट है भाई, अब स्केल करके देता है ये। हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा पास बैठा हूँ मैं, 4 फीट की डिस्टेंस बैठता हूँ तो इतना शार्प नहीं दिखेगा, बट हाँ फिर भी इट्स अप टू द पार। अप स्केलिंग बहुत अच्छी है सैमसंग क्रिस्टल प्रोसेसर 4K की, एंड आई कैन से के थोड़े बहुत बेटर कलर्स भी दिख रहे हैं। 65 इंच में थोड़ा सा बेटर पैनल भी लगाया गया, ऐसा मैं जज कर पा रहा हूँ। 55 वाली जो विविजन प्रो थी उससे थोड़ा सा बेटर मुझे दिख रहा है। 65 इंच विल बी द चॉइस अगर आप और बेटर पिक्चर क्वालिटी दो, 70,000 रुपये लिए देना पड़ेगा पिक्चर क्वालिटी तो उनका। अच्छा काफ़ी सही टीवी है, आई जस्ट लव्ड इट। एंड शेडोज आप पीछे देखिए, ये सीन देखिए, इसमें आप ग्रास के कलर्स वगैरह देखेंगे। बाद में आपको बता दूं कि आप इसे पॉज करके, मैं आपको दिखा दूँ एक बार चीज़ बताऊँ, सेटिंग्स में जाके ना आप यहाँ पे जो मोड्स होते हैं, जैसे अभी इको मोड में, इसको आप स्टैंडर्ड पर करेंगे ना थोड़े से और ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, डायनेमिक पे बेस्ट आएगी, स्टैंडर्ड पे थोड़ी सी कम आएगी, लेकिन फॉर अ चेंज इस बार हम डायनेमिक पे टेस्ट करेंगे ताकि और बेहतर कलर्स आएँ एंड आपको देखने का एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाए। लेट्स प्ले ऑन डायनेमिक। बहुत सही ब्राइटनेस, बहुत सही कलर्स, डायनेमिक रेंज जो है अभी इसमें आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ठीक है स्टैंड डायनेमिक रेंज का ही कंटेंट है, लेकिन फिर भी जब हम नेटफ्लिक्स पर टेस्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा और बता देंगे। सही है यार, मतलब पिक्चर क्वालिटी 65 में बेटर की गई है, बाकी थोड़ा सा जो बची हुई क्लिप्स हैं उनको आप एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये था पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट। लेट्स चेक द ऑडियो ऑफ दिस डिवाइस। 20 वॉट के स्पीकर्स दिए गए, नथिंग बिग, लेकिन हाँ बिग बात ये है कि फ्रेम बहुत बड़ा हो जाता है, तो 20 वॉट के स्पीकर्स को इजीली जगह मिल जाती है सेट होने के लिए, मे भी थोड़ा सा बेटर साउंड करें 55 वाली से। लेट्स लिसन टू देम। डिस्टॉर्शन वो क्या होता है? जैसे कि आपने सुना स्पीकर्स बहुत अच्छे साउंड कर रहे हैं, इवन 95 तक भी डिस्टॉर्शन मुझे बिल्कुल सुनाई दिया, उसके बाद शायद थोड़ा सा लाउड इनफ टीवी है, ऑब्वियसली आप इसे 40 या 50 से ऊपर साउंड नहीं करने वाले हो, इट विल बी लाउड इनफ फॉर अ ह्यूज रूम ऑल्सो। अगर आप 10-12 फीट से देख रहे हैं तो 65 इंच का टीवी बहुत परफेक्ट रहता है, उससे ऊपर जाओगे 15 फीट तब तक चल जाता है, 15 से ऊपर आई थिंक थोड़ा सा छोटा हो जाता है, 65 मैं 70 सजेस्ट करूँगा अगर 15 फीट से ऊपर डिस्टेंस है आपकी देखने की, पर ठीक है 15 फीट तक चल जाता है एंड इतने बड़े रूम में आराम से काम करेगा साउंड आपको। मतलब ऐसा नहीं कह रहा मैं, ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप साउंड बार लगाएं, साउंड बार लगाओ मैं तो कह रहा हूँ, बट अगर आप थोड़ा सा 1-2 महीने बाद लेना चाहते हो, ये टीवी बहुत महंगा पड़ गया है 60-70 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये आपने खर्चा किया है, तो 1-2 महीने होल्ड करके भी ले सकते हो, 1-2 महीने आराम से काम चल जाएगा, वैसे बाद में भी चल जाएगा, स्पीकर्स आर मोर देन गुड इनफ। दोस्तों इस बड़े वाले मॉडल में आपको रिमोट तो मिलता है अच्छा वाला, उसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर मिल जाता है, बिक्सबी एंड अलेक्सा दोनों का ही सपोर्ट है, आप चाहें तो बस माइक का बटन दबाइए और अपने स्मार्ट होम को कंट्रोल कर सकते हो, टीवी को कंट्रोल कर सकते हो, लेट मी जस्ट डू दैट। दोस्तों यहाँ मैं वॉइस असिस्टेंट को अलेक्सा में सेट किया हुआ हूँ, तो उसको चेक करते हैं। लेट्स टर्न ऑन द लाइट्स, ठीक है, टर्न ऑन द स्टूडियो हॉल, अब बोला तो है, ओके राइट साइड में आप देख रहे होंगे लाइट जल गई, एकदम से उजाला हो गया, लेट्स टर्न ऑफ देम, टर्न ऑफ द स्टूडियो हॉल,
तो लाइट बुझ भी गई है एंड इट्स वर्किंग फाइन. अगर आप कोई ऐप खोलना चाहते हो तो वो सब भी इजीली काम करके देगा. लेट्स एक बार ट्राई मार के देख लेते हैं ना, नेटफ्लिक्स खुला के देखते हैं, फिर नेटफ्लिक्स पे वीडियो क्वालिटी का HDR टेस्ट भी कर लेंगे. ओपन नेटफ्लिक्स. ओके, नेटफ्लिक्स का कमांड इसने लिया तो है, खोल भी दिया है. तो ऐप वगैरह खोलना चाहते हैं, किसी के ऐप पे कुछ प्ले करना चाहते हैं, कोई कंटेंट सर्च करवाना चाहते हैं, तो अलेक्सा के थ्रू भी करवा सकते हो, बिक्सबी के थ्रू भी चला करवा सकते हो. अगर मान लीजिए आपने बोला कि स्विच टू चैनल नंबर दिस, तो आपके सेट टॉप बॉक्स जो आपने कनेक्ट कर रखा है उस पर वही चैनल स्विच भी हो जाएगा. एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस. ओके, तो लेट्स प्ले सम कंटेंट ऑन दिस जिगेंटिक 65 इंच टेलीविजन. क्या है HDR में? ओके, दिस इज ब्राइट HDR, हमारा द ग्रेट इंडियन कपिल शो. ये काफ़ी ब्राइट एनवायरमेंट में शूट करते हैं, 4K HDR में तो दिखाई रहे हैं. ओके, तो इट्स लुकिंग नाइस. अभी 4K हो गया, आई थिंक. हाँ, 4K हो गया डेफिनेटली. और यार थोड़ा सा ना ये टीवी मुझे ब्राइटर भी लग रहा है कल वाली से. विविड विजन प्रो से तो थोड़ा सा बेटर लग रहा है. साइज 65 साइज का डिफरेंस है जिस वजह से. बट हाँ, आई एम सीइंग थिंग्स बेटर देन दैट. और कलर्स भी बेटर आ रहे हैं यार. डायनेमिक पे सेट है, मैं तो कहूँगा डायनेमिक पे सेट करके रखो यार. बहुत से कलर्स आ रहे हैं यार. जो कलर साइंस है सैमसंग की और सोनी की, उसको मैच कर पाना बाकी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है यार. नेचुरल दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि कलर्स आपके थोपड़े में फेंक के मार रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. मस्त, बिल्कुल नेचुरल लगते हैं आप. ज़्यादा पॉपी नहीं होते, बट फिर भी एकदम साइलेंट क्लासिक वाली चीज़ फील होती है. लेट्स प्ले सम डार्क कंटेंट. हमारा प्लान है, प्लान भी बढ़िया पिक्चर है और ईजिली उसमें डार्क सीन्स भी हैं, जिस मतलब अंधेरे वाले सीन में उनका आप इजिली चेक कर सकते हो. तो देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा है, लेकिन फिर भी आप बैकग्राउंड में डिटेल्स देखिए, कलर्स देखिए. नथिंग इज क्या कहते हैं टूट नहीं रहा है, सब बराबर दिख रहा है. आप लैंप के पास में कलर्स देख लीजिए, या फिर जो लेफ्ट हैंड साइड में ये पेड़ है, इस पेड़ के आसपास कलर्स देख सकते हैं. एवरीथिंग इज लुकिंग गुड. डिटेल्स देख सकते हो अंधेरे में भी. अब बैटमैन चला के दिखाता है HDR में तो थोड़ा और दिख जाता है, लेकिन बैटमैन को HDR में लाने में ही मैंने जाने के 5,000 रुपये खर्च हो जाएंगे. तो HDR में जब आप कंटेंट देखते हैं, डार्क कंटेंट भी है, DC की मूवी भी देख रहे हो, तो आप डिटेल्स देख पाओगे. TV काफ़ी ब्राइट है. लेट्स प्ले सम गेम्स वाया PS5. थोड़ा सा और अच्छे से आईडी लगाएंगे कि क्या है इसमें. HDMI में मैंने PS5 कनेक्ट कर रखा है और गेम मोड पर ये सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. लेट्स चेक दैट. यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आप इसे गेम मोड पर सेट कर सकते हैं. अभी गेम मोड ऑन है, तो ऑब्वियसली ये LM वगैरह को भी सपोर्ट करता है. फिर उसमें जाके जैसे आप सेटिंग में जाएंगे ना, PS5 की सेटिंग्स पर जाएंगे, जैसे आप स्क्रीन एंड वीडियो की सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे वीडियो आउटपुट में आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक पर सेट है. 120 वगैरह LM वगैरह सब ऑन है. जब गेम मोड को ऑफ कर देते हैं ना, तो आप LM ऑफ नहीं कर पाते हो. TV doesn't support that, ऐसा लिखा जाता है साथ साथ. तो ऑब्वियसली LM सपोर्टेड है और ऑटो लेटेंसी मोड की वजह से आपको एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा मिलने वाला है. थोड़ी सॉरी मैं वापस आ गया, दोबारा जाते हैं और आपको थोड़ा सा क्रिकेट 24 गेम खेल के दिखाते हैं. ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, बढ़िया एकदम मस्त चल रहा है यार, कोई दिक्कत आ तो नहीं रही है. दूसरा गेम भी खेल के देखेंगे. इंस्टिंग डालेंगे यार, फास्ट बॉल डालनी है तो गोल, अब गोल वाला बटन दबाएंगे, ओ वाला. ओके, मैंने दबाया और ये इंस्टिंग बॉल आई. ओ हो, क्या बॉल थी, खतरनाक एक्सपीरियंस है. लेट्स प्ले सम अदर गेम. ओके, हियर वी आर प्लेइंग एस्ट्रोस प्ले रूम. मस्त गेम है एज ऑलवेज एंड कलर्स इसके बहुत सही लगते हैं. HDR एक्सपीरियंस इज जस्ट सो नाइस. लेट्स प्ले. एंड आज तो मेरे दोनों हाथ खाली हैं, तो आई कैन यूज द कंट्रोलर विद माई 2 हैंड्स. ओके, लेट्स होल्ड ऑन टू दिस. ओके, थ्रो दिस. ओके, बहुत सही एक्सपीरियंस मिल रहा है. कलर्स आर नाइस एंड टीवी की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लेटेंसी भी कम है, लो लेटेंसी वाला टीवी है, कलर्स बढ़िया है, HDR एक्सपीरियंस बढ़िया है, क्योंकि PS5 में ऑलवेज HDR ऑन है, आपने जैसे अभी देखा था. सही है, बहुत सही है. I like this. I will easily play games in this because colors अच्छे आ रहे हैं ना. And at the end में कोई देखो यार, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ. जब आप PlayStation 5 खेलते हो ना, तो PlayStation 5 भी इतना अच्छा है कि TV का इतना फर्क पड़ता नहीं है. I'll easily give it 9.5 PlayStation 5 के हिसाब से देखोगे तो ऑब्वियसली 120fps को सपोर्ट ये TV नहीं करता है, सिर्फ 60fps का है. तो इतना बेस्ट तो नहीं कहूँगा. और इस प्राइस में 120fps वाले TV आई कितने रहे? आई थिंक Hisense U7 के आता है एक, जो कि है इस बार 120fps देने वाला, लेकिन वो भी 4K 120fps नहीं चलता. फिर आपको 1080p पर स्विच करना पड़ेगा और फिर 1080p पर मज़ा भी तो नहीं आता ना यार. खेलना है तो भैया 4K 120 दो, और 4K 120 के लिए आपको 20-30 हज़ार रुपये और खर्च करना पड़ जाते हैं. बट ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस है. एंड यू कैन 60fps पर भी प्ले तो होता ही है. प्ले स्टेशन 5 है तो 60fps मस्त चला देगा, कोई दिक्कत आने वाली है.
तो आई थिंक एवरीथिंग इज नाइस अबाउट दिस टीवी. वीडियो क्वालिटी में आराम से 9 9.5 पॉइंट्स दे रहा हूँ जो बाकी रिव्यू को मिले हैं सैमसंग के लास्ट दो टीवी. जो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो विविड की अनबॉक्सिंग करी थी हमने परसों के दिन, कल अनबॉक्सिंग करी थी विजन प्रो की, थंबनेल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, हम उनको जाकर देख सकते हैं. इसकी भी वीडियो क्वालिटी सही है, ऑडियो क्वालिटी और बेहतर है, गेमिंग में भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यूजर एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, रिमोट बेटर है, ओवरऑल दिस टीवी इज नाइस, यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर इट इन दिस प्राइस सेगमेंट. आई थिंक 65,000 थोड़ा सा देखो प्राइस बढ़ाया लास्ट ईयर से उन्होंने, बट 65 तक 66 तक भी टीवी मिल रही है, जस्ट गो गेट इट. आई थिंक इतने प्राइस में तो जस्टिफाई करते हैं अपने प्राइस को. बैक टू द कैमरा नाउ. तो दोस्तों आई होप आपको ये टीवी अच्छी लगी होगी, मुझे काफी पसंद आई. पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव है, विजन प्रो से भी इंप्रूव लगी मुझे, बट वो 55 का था या 65 का था शायद, बड़े पैनल में थोड़ा सा और बेटर उन्होंने किया है. PS5 के साथ भी गेम प्ले अच्छा है, तो आई थिंक ओवरऑल बेटर है. इसका टोटल प्राइस की बात करें तो करीबन 70,000 रुपए के आसपास का इसका प्राइस है 65 इंच के लिए, डिस्काउंट वगैरह लगा होगा तो 67 का पड़ जाएगा. 65 to 67 तक ठीक है, अबव 65,500 से ऊपर मैं देने में थोड़ा सा संकोच करूंगा, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही हाई प्राइस हो जाता है फॉर 65 इंच ऑफ दिस कैलिबर टीवी. क्योंकि 65 ऐसे आते हैं महंगे, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 4 लाख के भी आते हैं 65 इंच के, लेकिन इसकी वो क्वालिटी नहीं है ना. इस क्वालिटी के हिसाब से आई थिंक 66,500 67,000 तक भी चलेगा, सही टीवी है. 70,000 3-4,000 रुपये थोड़ा सा ओवर प्राइज है. स्टैंड की बात करूँ, स्टैंड बहुत सही बनाया है इन्होंने. स्टैंड बताया मतलब लॉकिंग सिस्टम इज जस्ट सो अमेजिंग कि आप बस ऐसे लॉक कर दीजिए और सिंपल लॉक हो जाता है टीवी. आप जैसे स्टैंड करेंगे वो और परफेक्ट लॉक हो जाएगा, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. लॉकिंग सिस्टम इज जस्ट सो ग्रेट, कोई स्क्रू नहीं, कोई कुछ नहीं, मस्त है. इसका वॉल माउंट भी बहुत बड़ा आया है, एंड इतना वॉल माउंट टांगोगे ना इस वॉल माउंट पे आप टीवी को, टीवी हिल के कहीं जाने का कोई चांस ही नहीं है. आई लाइक द वॉल माउंट ऑल्सो, एंड ओवरऑल सैमसंग का सर्विस है तो आप देख लेना. बाकी 55 इंच के साथ आपको वो टेबल टॉप भी नहीं मिलेगा, तो याद रखें विविड प्रो लीजिए विजन प्रो की जगह, और बड़ा लेंगे तो शायद टेबल टॉप भी मिल जाएगा. आई सजेस्ट विजन प्रो ओवर विविड प्रो, एंड अगर विजन प्रो ही लेना है तो विविड ही ले लो, ज़्यादा फर्क तो है नहीं, बस वो स्मार्ट वाला वो क्या कहते हैं वॉइस असिस्टेंट वाला फीचर रह जाएगा. रिमोट बहुत छोटा है, मैं मजाक नहीं कर रहा, इससे बढ़िया रिमोट मैंने आज तक किसी टीवी में देखा नहीं है, इतना छोटा रिमोट, मजा ही आ गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, प्लीज़ लाइक कर देना. एक्चुअली बहुत मेहनत लगी तीनों वीडियोस को बनाने में, तीनों वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं सैमसंग की, पूरे सीरीज क्रिस्टल सीरीज जो हमने अनबॉक्स किया है तीनों थंबनेल आपकी स्क्रीन पर एक साथ आ रहे हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके खरीद सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय.